नमस्कार साथियों, आप सभी का सर्विस सीनियर फ्रेंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, जैसे कि आप सभी को भी हम स्टार्टिंग के इंट्रो में दिखा चुके हैं कि पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और वह पेशेंट कोमे में है। इस समय कोमे से कब तक बाहर आएगा उसका कुछ अनुमान नहीं लगा सकते साथियों। 72 घंटा भी हो सकता है, 8 से 9 दिन भी हो सकती है। तो साथियों, किस कारणवश वह कोमे में गया है, आज उसके बारे में ज़्यादा समय न लेते हुए थोड़ी सी आप लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह जो घटना हुई है, यह हमारे सिंधौरा थाना के अंतर्गत मझवा गांव की है। वहाँ पे दिन बुधवार को 2 लड़कों की मौत हो गई है, जिसमें से एक खुशी नाम की लड़की थी और एक चंदन नाम का लड़का था। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सारनाथ थाना के सलारपुर निवासी शंकठा की वाइफ अमरावती अपने मसवा गांव मायके में आई हुई थी रक्षाबंधन को राखी बांधने, जो कि उनके भाई का नाम विनोद राजभर है। वह अपनी बहन को रोक लिए और उसी रात उनकी बहन अमरावती और उनका पुत्र चंदन और साथ में विनोद राजभर की वाइफ पिंकी अपनी 4 वर्षीय खुशी को लेकर एक चटाई पे ज़मीन पर लोग सोए हुए थे। साथ में सर्पदंश के वजह से मित्रों 2 लोगों की मौत हो गई और एक बेचारी मौत से उलझ रही है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यह मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यदि आप लोग कहीं भी सो रहे हैं तो मच्छरदानी की उपयोग ज़रूर करें। साथियों, इस औरत को और यह जो दोनों बच्चों को बाइट किया है स्नेक, वो स्नेक कोई और नहीं है साथियों, वह एक कॉमन करैत है जो कि एक साथ में 14 से 15 लोगों को मार सकता है। कोबरा एक बार बाइट कर लेता है तो दोबारा किसी को बाइट किया तो डेथ होने की चांसेस कम रहती है, बट कॉमन करैत एक ऐसा करैत है जो एक बार में 14 से 15 लोगों को मार सकता है साथियों। तो मैं आप लोगों को अवगत करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को रात में पेट दर्द हो या कुछ ऐसी समस्या हो, ऐठन हो या मिचली जैसी समस्याएं हो, तो प्लीज़ आप लोग अपने से अपना ट्रीटमेंट ना करें या फिर अपने से कोई दवाइयां गैस वैस का ना खाएं। जो भी स्नेक एक्सपर्ट हो उनको दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। आप लोगों को साथियों, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसे यदि जो इस औरत पीड़ित के साथ घटना हुआ, ऐसे आप लोगों के साथ घटना घटे या कुछ ऐसे महसूस हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे शंका में अपने से इलाज, अपने से ट्रीटमेंट या अपने से कुछ करने का प्रयास ना करें। जो भी नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है या फिर जो भी अनुभवी डॉक्टर हैं उनको दिखाएं और अपनी इलाज कराएं साथियों, अन्यथा जो इनके साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है साथियों। इसी बात पे यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।